दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपका भाई आपके लिए लेके आया है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई मेरे बहुत सारे मैन मुझे कमेंट करे थे कि आप गाड़ियाँ दिखाते हैं बाइकें दिखाते हैं बट क्या आप हमें चलाना भी सिखा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपका भाई आपको 5 मिनट में गाड़ी चलाना सिखा देगा। आपने बिल्कुल सही सुना, आज आपका भाई आपको सिखाएगा 5 मिनट के अंदर गाड़ी चलाना और गारंटीड मैं आपको सिखा दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे उसका हैंडल आ रहा है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आप सीखते हैं गाड़ी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइम मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 मिनट में गाड़ी चलाना। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे सिंपल स्टेप जिसको समझ के आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टेप नंबर 1। तो चलिए मैं आपको बता दूं स्टेप नंबर 1 क्या है। तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप गाड़ी की सीट पे बैठते हैं तो सबसे पहले आपको लगानी होती है सीट बेल्ट। सो दिस इज़ दी स्टेप नंबर 1 यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्टेप नंबर 2। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2 की। और स्टेप नंबर 2 में हम सब जानेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो गाड़ी को चलाने के लिए काम आती हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जानें, जब भी आप सीट पर बैठ रहे हैं सबसे पहले अपना मिरर एडजस्ट करें। दिस इज़ दी रेयर व्यू मिरर जो आपको हेल्प करता है पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है, जैसे आप गाड़ी रोड पर चलाते हैं तो ये आपको हेल्प करता है पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही है तो उसे देखने में। और उसी के साथ जो साइड व्यू मिरर होते हैं आपको उसको भी एडजस्ट करना चाहिए अपने सेटिंग पोस्चर के हिसाब से। और फिर तीसरी चीज़ आती है दिस इज़ द गियर। अब ये मारुति की गाड़ी है तो इसके अंदर गियर एडजस्टमेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग होते हैं। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है दिस इज़ द गियर। और अगर आप अंदर आएंगे तो देखेंगे जो सबसे राइट में होता है दोस्तों, जो सबसे राइट में है मेरे, जिस पे मैं इस टाइम पैर लगा रहा हूँ, दिस इज़ द एक्सीलेटर जिससे गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे सो दिस इज़ ब्रेक, जो मिडल में होती है ये होती है ब्रेक। और उसी के साथ होती है हमारी क्लच। अब क्लच जो होता है वो किस काम आता है ये हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। बाकी दिस इज द एक्सीलेटर, दिस इज ब्रेक एंड दिस इज द क्लच। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 3 पे। और स्टेप नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है किसी भी गाड़ी का गियर। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिए कि गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रल में गाड़ी किस तरीके से आती है। अब जैसे कि आप ये गियर देख रहे हैं, अब इस गियर को अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ राइट करता हूँ तो ये फ्रीली जा रहा है, दैट मीन्स ये इस टाइम न्यूट्रल पे है। और अगर ये ऐसे करता हूँ तो इस टाइम ये फर्स्ट गियर के अंदर है गाड़ी, तो अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा इस टाइम तो ये झटके खा जाएगी गाड़ी। तो इसीलिए जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप न्यूट्रल में करें। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, देखिए अब ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये गाड़ी एक ही पुश में स्टार्ट हो गई है। अब यही चीज़ जो गलती लोग करते हैं, जो नए जो ड्राइविंग जो सीखते हैं उनकी गलती क्या होते हैं, वो मेक श्योर ही नहीं करते न्यूट्रल है। तो देखिए जब न्यूट्रल में नहीं होती गाड़ी तो फिर किस तरीके से आपको झटके लगते हैं, तो इस चीज़ का मेक श्योर रखें। अब मान लीजिए गाड़ी गियर में खड़ी हुई है और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने पुश कर दिया, तो देखना गाड़ी किस तरीके से झटके खाएगी, ये देख रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि गाड़ी न्यूट्रल में हो। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 4 के पायदान पे। तो अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा सबसे पहले गाड़ी। और जैसे कि मैंने आपको स्टेप नंबर 3 में बताया था कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर ये न्यूट्रल में हो, ठीक है। तो अब मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। अब ये गाड़ी हो गई है मेरी स्टार्ट। अब आप गियर के पास आएँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गियर किस तरीके से लगाए जाते हैं। सबसे पहले मेक श्योर करें गियर लगाने से पहले आप क्लच को दबाएं। और क्लच क्या होता है, जो सबसे एंड में होता है, दिस इज़ क्लच। बिना क्लच को दबाएं आप गियर ना लगाएं, उससे गाड़ी बंद हो जाएगी और हो सकता है आपको दिक्कत भी हो। तो आप सबसे पहले ये देखिए गियर किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो पहला गियर इसके अंदर इस आगे लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा क्लोज आएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखेंगे कैसे कैसे दी हुई हैं। पहला गियर ये है और दूसरा गियर लगाना है तो इसको आप पीछे करेंगे, ये न्यूट्रल में आ जाएगा, फिर इधर साइड करके ये नीचे कर देंगे। और फिर अगर हम तीसरे गियर पे जाना है तो आगे करके इसे बीच में जाएगा और उसी के साथ चौथा गियर आएगा पीछे करते हुए। तो इसी तरीके से गियर आपको लगाने हैं। और
अगर आप कह रहे हैं कि आपको रिवर्स भी करनी है गाड़ी, तो आप देखेंगे इसके अंदर आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रिवर्स। लेकिन आप मेक श्योर करें दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप गियर लगा रहे हैं, मेक श्योर कि क्लच आपका दबा हुआ हो, प्रेस हो। आप देख सकते हैं मैंने क्लच को अभी इस टाइम दबा रखा है। अब बात करते हैं रिवर्स की। अब रिवर्स का इस गाड़ी के अंदर जो गियर है वो दिया हुआ है साइड करके, आपको पीछे करना है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर सायरन लगा हुआ है तो रिवर्स में बज रहा है। अब उसी के साथ अब मुझे गाड़ी न्यूट्रल करनी है, तो किस तरीके से न्यूट्रल होगी, ये न्यूट्रल हो गई है गाड़ी, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एंड का स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम आखिरी स्टेप के ऊपर, जो है इसका फाइनल स्टेप गाड़ी सीखने का, एंड दैट इज स्टेप नंबर 5। अब इसके अंदर गाड़ी को हमें मूव करना है आगे। तो गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी इस टाइम मैंने स्टार्ट कर ली है। तो अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट गियर। और फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले क्लच दबा दिया मैंने और सबसे पहले मैंने लगा दिया अभी फर्स्ट गियर। अब आप आगे देखिए रोड पे, अब ये गाड़ी को हमें आगे बढ़ाना है। अब जब गाड़ी आगे चलानी है तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ें, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें, और एक्सीलेटर को ज़्यादा ना पुश करें। अब ये देख सकते हैं अब ये गाड़ी चल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच को हल्का हल्का छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आप कोशिश करें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर गाड़ी बंद होती है तो होने दे उसे, दोबारा स्टार्ट करके आप कर सकते हैं ट्राई, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अभी इस टाइम मैं एक्सीलेटर पे बिल्कुल भी पैर नहीं दबा रहा हूँ, एक्सीलेटर को बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्लच छोड़ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी चल रही है, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें और आपको गाड़ी चलाना आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी चल रही है। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ गियर, अब गियर किस तरीके से चेंज करते हैं। अब गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी को मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, गाड़ी थोड़ी स्पीड में लेके जाऊँगा, अभी मैं रोड पर भी चलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं गियर लगा हुआ है फर्स्ट। अब चलती गाड़ी में सेकंड गियर कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई थी, क्लच दबाएं और दूसरा गियर इस तरफ करके खींच दें। अब ये गाड़ी आगे दूसरे गियर में, और उसी के साथ आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच छोड़ें। अब हम मेन रोड पर आने वाले हैं, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ दिया। अब कोशिश करें, आप नई नई गाड़ी सीख रहे हैं, आप गाड़ी को रोड के बिल्कुल साइड में चलाएं, ना कि बीच रोड पे लेके चल जाएं। आप आराम से साइड में चलाएं और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम गाड़ी चल रही है सेकंड गियर में। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होती जाएगी। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसे पुश करता हूँ, गाड़ी को एक्सीलेटर देता हूँ, तो ज़्यादा पुश करने के बाद गाड़ी मांगती है गियर। अब हम तीसरा गियर चलाएंगे, अब देखेंगे आप तीसरा गियर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मैंने प्लस दबाया और ये तीसरा गियर लग चुका है, और अब गाड़ी है तीसरे गियर में। अब इसी के हिसाब अब हमें गाड़ी को रोकना है। अब गाड़ी को रोकेंगे कैसे, कोई अब हम क्लच दबाएंगे, क्लच मैंने दबा दिया, और ब्रेक मारेंगे। और मेक श्योर जब भी आप ब्रेक मारें, बिना क्लच दबाए ब्रेक नहीं मारें। अब आपने ब्रेक मारी है, हल्के हल्के ब्रेक मारी है, और ये आप न्यूट्रल कर दीजिए, आपको गाड़ी रोकनी है। अब ये आ गई है न्यूट्रल। अब दोबारा गाड़ी चलानी है हमें, दोबारा से क्लच दबा के रखेंगे, गियर लगाएंगे और गाड़ी चल पड़ी है। धीरे धीरे क्लच छोड़ें, क्लच आप धीरे धीरे छोड़ेंगे तो बहुत ही स्मूथ चलेगी गाड़ी। अगर आप झटके से छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद होने का खतरा है। अब उसी के साथ फिर दोबारा से सेकंड गियर चेंज करते हैं और गाड़ी को मोड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, बिना किसी परेशानी की गाड़ी मैं चला रहा हूँ। और कोशिश करिए कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप खुली जगह में चलाइए, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाले एरिया में ना चलाएं, क्योंकि उससे होगा क्या, जो बिगिनर होते हैं, जो नई गाड़ी चलाने वाले होते हैं, वो एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है थोड़ा। तो कोशिश आप ये करिए कि आप प्रैक्टिस जहाँ कर रहे हैं वो खुला एरिया हो,